हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी रेसिपी लेके आई हूँ, गोलगप्पे की रेसिपी, जिसको हम लोग पानी पूरी भी बोलते हैं। रेसिपी स्टार्ट करती हूँ मैं। सबसे पहले एक बर्तन ले लें, गोलगप्पे का आटा गूंद लूंगी मैं। सबसे पहले मैदा ले लें हाफ कप, सूजी ले लें हाफ कप, नमक डाल दिया मैंने हाफ चम्मच। अब इन चीजों को मिक्स कर लें। थोड़ा पानी शामिल करें इसमें। आटे को ढीला नहीं करना, आटा थोड़ा सख्त गूंदना है। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करना है, एक साथ नहीं डालना पानी। इस तरह से अच्छी तरह मसल मसल के इसको गूंदना है और आटे को सख्त रखना है। बिल्कुल थोड़ा सा, इतना सा पानी लगाना। बहुत ही आसान रेसिपी है ये। जो भी खाना है आप लोग घर पे बनाएं। घर पे आपको पता होता है कि ये खाना फ्रेश है, आप लोग घर पे खाना बनाएं। बाहर के खाना बहुत, अगर खाना भी है तो बहुत कम खाएं। इस तरह से 5 मिनट इसको गूंदूंगी मैं। लगातार 5 मिनट तक गूंदते रहना इसको। पांच मिनट हो चुके हैं। थोड़ा सा पानी मैंने लगाया हाथों को। इसको कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दें। अब मैं बनाऊंगी इमली की खट्टी मीठी चटनी। पहले वैसे मैं इसकी रेसिपी बना चुकी हूँ, लेकिन आज फिर मैं इसकी रेसिपी बनाऊंगी। सबसे पहले इसमें नमक शामिल करें। इमली का पल्प ले लिया मैंने, एक पाव इमली लिए मैंने और इसको मैंने भिगोया हुआ था तकरीबन आधे घंटे के लिए, और इसका सारा जो पल्प है वो मैंने निकाल लिया इमली का, एक पूरा बाउल भर के। और एक प्याली अलग से मैंने इमली का जो पानी बनाने के लिए, गोलगप्पे के लिए इमली का पानी जो बनाना है मैंने, उसके लिए सिर्फ 1 कप इसमें से मैंने निकाला है, और बाकी का सारा मैं
इसकी इमली बनाऊंगी, एक एक चम्मच नमक शामिल किया इसमें मैंने। अब इसमें मैं डालूंगी अदरक पाउडर, इस तरह। अदरक पाउडर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये भी एक छोटा चम्मच है, नमक भी एक छोटा चम्मच मैंने डाला है और अदरक पाउडर भी। अब कुटी हुई लाल मिर्च इसमें मैं शामिल करूंगी। ये मैंने आधी चम्मच डाली है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हम लोग, तो इस वजह से मैंने थोड़ा स्पाइस कम रखा है। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। इसमें सौंफ का पाउडर, सौंफ को मैंने रोस्ट करके उसको क्रश कर लिए और इसका पाउडर बना लिए, ये एक चुटकी इसमें मैं शामिल कर दिए। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। अब एक पैन ले लें और चूल्हे को ऑन कर लें, और ये जो इमली का पल्प है ये सारा इसमें शामिल कर दें। इसको थिक करना है हमने, इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। अब इसमें मैं चीनी डालूंगी, चार चम्मच, बड़े चार चम्मच चीनी के मैंने डाल दिए इसमें। अब इसको हिला लें, चीनी इसमें अच्छी तरह से हल हो जाए। अब इसमें ये झाग बन रही है, झाग खत्म होगी तब ये ठीक होना शुरू हो जाएगी। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप जल्दी जल्दी चाहते हैं कि जल्दी जल्दी गोलगप्पे बनाए जाएं, तो इसमें एक चम्मच कॉर्नफ्लोर पानी में घोल के तो आप डाल सकते हैं, उससे जल्दी ठीक हो जाएगी खट्टी मीठी इमली की चटनी। पहले जो मैंने खट्टी मीठी इमली की चटनी बनाई थी उसमें मैंने सौंफ और अदरक पाउडर नहीं था डाला, लेकिन उस तरह से भी मज़े की बनती है और इस तरह से भी और अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो आप अपनी मर्ज़ी, आपकी मर्ज़ी है कि आप अदरक और सौंफ का पाउडर शामिल करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। हमारी इमली ठीक होना शुरू हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप। जब ये ठंडी होगी तो ये और ज़्यादा ठीक हो जाएगी। इमली ठीक हो चुकी है, अब मैं चूल्हे को बंद करूँगी और ये ठंडी होने पे और ज़्यादा ठीक हो जाएगी। इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी, तब तक के लिए मैं इमली का पानी, और दो तरह के पानी बनाऊंगी मैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनाना है। अब मैं पुदीने का और हरे धनिए का पानी बनाऊंगी, ग्रीन पानी। उसके लिए मुझे एक ब्लेंडर चाहिए, उसमें ये पुदीना और हरा धनिया, ये ज़्यादा इसलिए मैंने लिया है क्योंकि मैंने हरी चटनी भी बनानी है, इसी में से ब्लेंड करके हरी चटनी निकाल लूँगी और बाकी का ग्रीन पानी इसका बना लूँगी। पुदीना और हरा धनिया ये आप देख सकते हैं मैंने कितना लिए, एक बाउल भर के, और ये छोटी छोटी पांच हरी मिर्चें,
अब इसमें मैं नमक डालूंगी, एक चम्मच है ये, फिलहाल के लिए सिर्फ नमक डालना मैंने, एक चम्मच नमक डाल दें इसमें और फिर इसको ब्लेंड कर लें इस तरह से इसको लगा लें और इसमें बिल्कुल दो चम्मच तकरीबन पानी मैंने इसमें डाल दिए। अब इसको ब्लेंड कर लें। इसको मैंने ब्लेंड कर लिया। अब एक जग ले लें, तकरीबन ये देख सकते हो आधा जग पानी, ठंडा पानी ले लें आधा जग, और ये जो मैंने हरी चटनी बनाई है इसमें शामिल कर दें। बाकी की जो है वो मैंने अलग से प्लेट में निकाल ली है। इसको हिला लें। अब इसमें मैं अदरक पाउडर आधा चम्मच, ज़ीरा पाउडर, ज़ीरे को मैंने रोस्ट कर लिया और फिर एक चम्मच ज़ीरा जो है वो इसको मैंने पीस लिया, और सौंफ इनको भी मैंने रोस्ट करके पीस लिया, ये भी एक चम्मच है, और काली मिर्च वो आधा चम्मच है। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल कर दें, इनको हिला लें। बहुत ही मज़े का पानी है ये। पुदीने, हरी मिर्चों और हरे धनिए का पानी जो है ग्रीन पानी वो तैयार हो चुका है, उसको साइड पे कर दें। अब हम इमली का पानी बनाएंगे। ग्रीन पानी में एक चम्मच नींबू का रस शामिल करूंगी मैं, ये मैं आपको बताना भूल गई थी तो ये मैंने अभी इसमें शामिल कर दिए। इसको साइड पे कर दें। अब एक और जग ले लें, उसमें पानी ले लें, हाफ जग ये भी मैंने ले लिया, और एक प्याली इमली का पल्प इसमें शामिल कर दें। अब इसमें मसाले डालूंगी मैं। इसमें मैं लाल मिर्च कुटी हुई एक चम्मच, ज़ीरा ये मैंने रोस्ट किया हुआ एक चम्मच, सौंफ ये भी मैंने रोस्ट किए हुए एक चम्मच, चाट मसाला आधा चम्मच, और नमक ये एक चम्मच। ये सारे मसाले डाल के अब इसमें मैं एक चम्मच नींबू का रस शामिल करूंगी और इनको भी मिक्स कर लूंगी। इमली और पुदीने का पानी हो चुका है तैयार। अब मैं गोलगप्पे बनाऊंगी, उनको तकरीबन आधा घंटा हो चुका है तो आटे को, तो अब मैं गोलगप्पे बनाऊंगी। अब ये जो मैंने आटा गूंद के रखा हुआ था देख सकते हैं, इस तरह से होना चाहिए आटा। अब इसके दो पीस कर लें इस तरह। इसके पेड़े बना लें दोनों के।
ये दो पेड़े मैंने बना दिए। अब मैदा ले लें खुश्क और इसको छिड़क लें इस तरह से। इसकी रोटी बना लें एक। बिल्कुल पतला सा इसको बेल लें। थोड़ा सा और मैदा छिड़क लें ऊपर। बिल्कुल पतली सी रोटी बेल लें इसकी। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल पतली सी रोटी मैंने बेल ली है। बहुत ही मेहनत लगती है इस पे जो गोलगप्पे बनाने में, बाकी इसका कोई भी काम मुश्किल नहीं है। आप कोई भी कटर ले लें या किसी बॉटल का ढक्कन ले लें, कुछ भी ले लें, तो उसके साथ इनको कट लगाऊंगी मैं इस तरह से। इस तरह से कट लगा लें। बड़े गोलगप्पे बनाना चाहते हैं तो आप कोई बड़ा कटर ले लें या किसी बॉटल का ढक्कन ले लें। मैं छोटे छोटे बना रही हूँ जो आसानी से खाए जा सकें इस तरह से। सभी को इसी तरह से कट लगा लें। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से मैंने कट लगा लिया और बाकी जो एक्स्ट्रा आटा है उसको निकाल लें और फिर से इसकी रोटी बना के दोबारा से गोलगप्पे बना लें। इस तरह से बिल्कुल पतली सी रोटी इसकी बनाएंगे। सारे इस तरह से प्लेट में निकाल लें। इस तरह से सारे मैंने निकाल लिए अलग प्लेट में और ये जो आटा साइड से मैंने निकाला है इसकी भी रोटी बना के गोलगप्पे बना लेंगे। बाकी भी इसी तरह से मैं बनाऊंगी। सारे गोलगप्पों को मैंने शेप दे ली है। मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने तेल डाला है और चूल्हे को ऑन कर लिया। अब तेल को गर्म कर लें। तेल गर्म हो चुका है, अब गोलगप्पे इसमें मैं डालूंगी। चूल्हे को थोड़ा सा आहिस्ता कर लें ताकि गोलगप्पे जले नहीं। इस तरह से थोड़ा सा दबाना है ताकि ये फूल जाए।
एक एक करके इसको थोड़ा सा दबाना है। ये देख सकते हैं आप किस तरह से गोलगप्पे फूल रहे हैं। थोड़े थोड़े जब ब्राउन हो जाएं उनको निकाल लें। निकालते जाए बाकी भी इसी तरह से। ये जब आप इसको प्रेस करेंगे ऊपर से थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल हल्के हाथों से करना है, तब ये फूल जाएंगे। जो ब्राउन होते जा रहे हैं उनको आप निकालते जाएं। गोलगप्पे हमारे हो चुके हैं तैयार, बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी क्रिस्पी। ये आप देख सकते हैं इस तरह से तोड़ दिए मैंने इसको। अब इसको मैं आपको बताऊंगी कि इसमें आपने ये उबले हुए चने और आलू और ये प्याज मैंने छोटे छोटे काट लिए हैं इसमें डालूंगी मैं, और ये चटनी वगैरह ये कैसे आपने करना है। सबसे पहले थोड़े से चने इसमें डाल लें, आलू थोड़े से डाल लें इसमें, इस तरह। थोड़े से इसमें मैंने प्याज डाल ली है। अब इसमें मैं थोड़ी सी इमली की चटनी डालूंगी इस तरह से। और थोड़ी सी इस पे हरी चटनी डाल लें इस तरह से। बाकी भी इसी तरह से कर लें। इस तरह से मैंने गोलगप्पे बना लिए हैं। ये मैंने एक बड़ा बनाया था एंड पे, आटा बच गया था तो ये मैंने बड़ा बना दिया था। तो इस तरह से आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनी है ये रेसिपी, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।